दोस्तों, दही खाने के ढेरों फायदे के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप में से किसी ने दही के टोटकों के बारे में सुना है? बहुत से लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे। कहते हैं कि दही खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऐसे व्यक्ति का पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके अलावा भी दही के सेवन के कई सारे लाभ बताए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही से जुड़े कुछ टोटके भी खूब अपनाए जाते हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको दही से जुड़े ऐसे टोटकों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे कई सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। तो आइए जानते हैं। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए दही से जुड़ा एक टोटका बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसके लिए सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर दही का अभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन में धन और सुख शांति की प्राप्ति होने की मान्यता है। नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर पाने के लिए दही से जुड़ा एक टोटका किया जाता है। इसके मुताबिक आपको रविवार के दिन घर से दही बड़ा बनाकर भैरव जी के मंदिर ले जाना चाहिए। इसे भैरव जी को चढ़ाएं और इसके बाद प्रसाद के रूप में दही बड़े को भक्तों में वितरित कर दें। एक अन्य टोटके के मुताबिक विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए जाने से पहले दही और चीनी खानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। असफलता से बचने के लिए भी दही से जुड़ा एक टोटका अपनाया जाता है। इसके तहत काम पर जाने से पहले माथे पर दही, हल्दी और चावल के मिश्रण से बना टीका लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कुंडली में ग्रह दोष होने पर व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि दही का सेवन करने से कुंडली में ग्रहों की दशा मजबूत होती है। बता दें कि दही खाने से मुख्य रूप से कुंडली में चंद्रमा की दशा मजबूत होने की बात कही गई है। किसी भी प्रकार अच्छे कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए घर से निकलने से पहले दही चीनी, काम में सक्सेस प्राप्त करने के लिए घर से निकलने से पहले दही शक्कर खाकर ही निकलें। ये उपाय सफलता प्राप्ति में शुभ साबित होते हैं। लाल किताब के अनुसार यदि शुक्र पहले, पांचवे, आठवे और दसवे भाव में हो तो माना जाता है कि शुक्र मंदा है। मंदा शुक्र सभी तरह की सुख और सुविधाओं का नाश कर देता है। पत्नी से भी संबंध ठीक नहीं रहते हैं। शुक्र के साथ राहु या मंगल है तो भी शुक्र मंदा हो जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।